अर्धवार्षिक परीक्षा का मैथ का क्लास 9th का रियल पेपर आ गया है, तो अगर आपने इस पेपर को कंप्लीट कर लिया तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, ये गणित का पेपर है और मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में बनाया हुआ है, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर कोई बच्चा हिंदी में नहीं समझ पा रहा है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा नहीं समझ पा रहा, तो वो हिंदी में भी इसका आंसर मतलब क्वेश्चन देख सकता है कि कह क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, उस तो देख सकते हैं कि अभी अपने ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसके बाद अपना क्या स्टार्ट होगा, इंग्लिश से। ठीक है, ये फिर इंग्लिश आ जाएगी। ओके, अब आपको करना क्या है, जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले पूरे पेपर इस चैनल पर वीडियो अपलोड होने वाली है। सब्सक्राइब में कुछ नहीं लगने वाला है आपका गाइस, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और रही बात एग्ज़ाम की, तो वो आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पेपर अपलोड करेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको बिना रियल पेपर मिले भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करी है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का पेपर बहुत मुश्किल होता है बनाना, और उसके साथ में सॉल्यूशंस की बात रही तो सॉल्यूशन भी बहुत ही मुश्किल मिलता है ना। तो इसकी हाँ, अब आपको सॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी होगी, है ना। तो अगर आपने इस वीडियो पे 100 लाइक्स करा दिए तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, क्लास 9th का है ना, तो कई बच्चे जो देख रहे होंगे 10th 11th 12th, तो उनके लिए भी कि हमारे चैनल पे तीनों क्लासों के मतलब चारों क्लासों के होते हैं 9th to 12th पेपर अपलोड। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर किसी को आप जानते हैं तो उनसे भी करा दीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि टॉपर सॉल्यूशन नाम ही ऐसा यूनिक है। ओके, तो इसमें अब अपन लोग बात करते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी कम ही रहेंगे, क्योंकि अगर आपने ये गाइस कंप्लीट कर लिए ना, और स्पीड बना के रखनी है। ठीक है, अपने मतलब जो आप पेपर में लिखोगे उसमें स्पीड रखनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी अपना 13 क्वेश्चन हो गया, आई होप आपको क्वालिटी सही दिख रही होगी, है ना। फिर उसके बाद ये 14 क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन, है ना। वीडियो को बड़ी नहीं रखना है, जल्दी से 100 लाइक्स करा दीजिए, इसके सॉल्यूशन भी हम आप लोगों को बता देंगे। अगर गाइस मैंने जितने भी पेपर डाले, आपने हर एक पेपर को अच्छे से पढ़ा है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका स्कोर अच्छा ही रहने वाला है। आप मतलब आप अगर चैप्टर दो चैप्टर पढ़ नहीं सकते, क्योंकि गैप भी कम, बहुत ही कम है मतलब एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब रही बात कि इम्पॉर्टेंट ही पढ़ सकते हो, तो इम्पॉर्टेंट के लिए आपके लिए यही है ना। और तो इसमें देखिए अपने क्वेश्चन कितने हो गए हैं, अभी 20 हो गए है ना, तो आई होप 22 ही रहने चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी ये लोग बढ़ा देते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं लेने। जैसे 23 हो गया, ठीक है, 16 पेज की PDF है ना, और ये मतलब फाइनल एग्ज़ाम के बेस पे है। ठीक है, ये हाफ ईयरली बेस पे भी है और फाइनल एग्ज़ाम के बेस पे भी है। ठीक है, जो जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहने वाले हैं तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं, हाफ ईयरली में 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 23 मैक्सिमम इतने ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें 26 कर दिए गए होंगे, हाँ 26, हाँ लास्ट वन इज 26, 16 पेज की PDF है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल। ओके, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।